एक फैसला आज हमारे सहकारी मंत्री अरविंद जी भी और पूरी टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छा आयोजन आज किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको देने का हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल किसान नहीं, उनके साथ साथ पशुपालक मतलब गाय भैंस पालने वाले और दुग्ध उत्पादन का धंधा करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन थे उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मछली उत्पादित करने वाले, मछली पालन के काम में लगे जो भाई बहन हैं, गरीब हैं, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड उनको भी हम दे रहे हैं। आज वो वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पर जो धोखा दिया था, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, सहकारी बैंक परेशान थे। आज उस ऋण वितरण के जो प्रमाण पत्र थे उनका पैसा हमने भराया, 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला किया है, गरीब किसानों को कई योजना का लाभ ही नहीं मिलता। समर्थन मूल्य पर खरीद भी अगर देखें तो 15 लाख किसान गेहूं बेचते हैं, लेकिन किसान तो 1 करोड़ के आसपास है, लगभग 80-85 लाख किसान छोटे छोटे हैं, वंचित रह जाते हैं। हमारे गरीब किसान 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, उनके पास इतना होते नहीं कि वो बेचने जाए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया था, उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2,000 रुपया उनको और दिए जाएंगे, तो ये 4,000 रुपया और एडिशन हो गए। आप सोचिए, गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष से आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है, तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं, और ये समान रूप से सबको मिलेगा। इसमें हमने कोई सीमा रेखा नहीं रखी कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, जितने खातेदार और किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।